how many square दिए गए कितने square हो सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है how many square कितने square इन वर्ग हो सकते हैं ये चार ऑप्शन आपके सामने और ये जो सर फिगर आपके सामने क्या दे रहा है आप कैसे काउंट करेंगे ठीक है दोस्तों यहाँ से वन टू या फिर थ्री फोर या फोर और फाइव तो ये पांच होते हैं तो इधर भी गिनने हैं तो वन हो गया या फिर टू हो गया थ्री हो गया या फोर हो गया और ये क्या हो गया फाइव जब इस रो में भी फाइव है और इस वाली रो में भी फाइव है ना और इधर भी फाइव है इसमें क्या होता है दोस्तों कि रो ये जो रो है और ये जो कॉलम है दोनों आपस में क्या होता है रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर होते हैं ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए ऐसे इसको डील करेंगे ठीक तो वन है तो वन का स्क्वायर कर दो है ना प्लस टू तो टू का स्क्वायर कर दो ऐसे प्लस थ्री है तो थ्री का स्क्वायर कर दो स्क्वायर करो इसे प्लस और फोर का स्क्वायर करो इसे और प्लस कहाँ तक है फाइव तक है तो फाइव का स्क्वायर करो तो वन का स्क्वायर कितना होगा वन होगा टू का स्क्वायर कितना होगा फोर होगा थ्री का स्क्वायर कितना होगा नौ होगा नौ होगा फोर का स्क्वायर कितना होगा सिक्सटीन होगा और फाइव का स्क्वायर कितना होगा ट्वेंटी फाइव होगा तो इन सबको वन जोड़े कितना होगा दोस्तों देखिए चालीस पाँच और वन पाँच चौदह ने सोलह पच्चीस पच्चीस चौदह सोलह तीस और पच्चीस पचपन कितना होगा दोस्तों पचपन तो कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन नहीं होगा ठीक है जो दो एंड कलम जो ना आपके बराबर इस तरीके से हम ट्राइंगल इस स्क्वायर को गिन सकते हैं कितने से वर्ग होते तो बड़े आसन में आसन और बड़े आसन का आसन दिए होते हैं उनके दोनों का बराबर है तो इस तरह से आप वर्ग करके इसको हल कर सकते हैं तो अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब करना